पांडव को 12 साल का दिशोटा मिला। जंगल में घूमते घूमते ऋषि आश्रम पर पहुंचे जहां पर वृद्ध ऋषि का आश्रम था। ऋषि के सामने धर्मपुत्र रोने लग गया। ऋषि ने पूछा कि हे वीर, क्या बात है? धर्मपुत्र ने कहा कि महाराज, हमारे से दुखी कोई नहीं। वृद्ध ऋषि ने धर्मपुत्र के सामने एक कहानी सुनाई और क्या कहा? हे रे समझ ना सकते जगत के मन को अज्ञान रूपी मलयो गया, बेईमान में मगन रहे से गाठ गाठ में छले हो गया। समझ ना सकते जगत के मन को चाहता बैठना पास नहीं, जो मिलके ने दगा कमावे इसे नौकर का विश्वास नहीं। मर्द ने वीर कमा के भरण की आस नहीं, मात पिता गुरु चेले ने कहते मारे चरण का दास नहीं। जब ते गारत में ठारक सोनी दल हो गया, तेई मन में मगन रह से गाठ गाठ में छल हो गया। तेरे समझ ना सकते जगत के मन को छूट गे नो भारत पे चाल पड़े। 52 जन के होए ब्रह्म ज्ञानी वेद मंत्र के ख्याल पड़े। अंदर भी कम बारिश करता जल बिन सुने ताल पड़े। राजा अशील धावज के बारे में भी 12 बरस तक काल पड़े। एर इन कलान समझने तेरे प्यार जन का हल हो गया, तेई मन में मगन रह से गाठ गाठ में चल हो गया। तेरे समझ ना सकते जगत के मन को Thank you.
शिक्षा कल्पे व्याकरण ज्योतिषि निरुक्त छंद की जान नहीं लिखे पढ़े बने मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं सृष्टि समृति माँ भारत ये समझे थारा पुराण नहीं गुरु चेले का भाव खत्म है ज्ञान की सही पहचान नहीं सतपति गोपति विधि भागवती सब कर्तव्य निष्फल हो गया जी मन में मगन रहे से गांठ गांठ में छल हो गया सेन कुंदन पुर में ऋषियों द्वारा यज्ञ करवा के चारियों लाद विलीवर में पितृ देवता परसन कर कहवे आनंद करते थे घर में श्री लक्ष्मी चंद धर्म के सेवक कदे नहीं रहते डर में निवद देश में सतयुग में एक वीर सेन का नल हो गया जे मन में मगन रहे से गांठ गांठ में चले हो।